तो इट्स मैगजरी और आज का हमारा जो वीडियो होने वाली है हैंडल टी रिप्लेसमेंट और कौन सेट रिप्लेसमेंट में है R15V3 के, और क्योंकि मेरी एक कौन जो है थोड़ी सी उसमें प्ले आ गई है और कौन सेट भी मेरा वेयर आउट हो गया, ठीक है, तो उसको चेंज करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसकी वीडियो बनाएंगे। तो आपने जैसे ही देखा है कि R15V3 या R15 जो भी सीरीज़ की गाड़ी है उनमें डबल स्टैंड नहीं आता है MT को छोड़ के, तो हमें आगे का पहिया तो लिफ्ट करना है, उसके लिए हमारा पैडॉक स्टैंड होना चाहिए अगर प्रॉपर बात करूँ तो, पर हमारे पास नहीं है तो हम देसी जुगाड़ लगा रहे हैं। कंट्रोल लिया हमने, उस पर एक प्लाई सरमाकर लगा के उसको सपोर्ट दिया हुआ है ताकि इसका आगे का पहिया लिफ्ट हो जाए और ईजिली हम ये व्हील आपके शॉकर और टी को रिमूव कर लें। तो दोस्तों जो हमारे बेसिक टूल्स हमें चाहिए रिप्लेसमेंट के लिए वो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, अरेंज करके, और एग्जैक्ट क्या हमें कहाँ पे लगाना है वो आपको मैं वीडियो में जब हम कंटिन्यू करेंगे आपको बता देंगे। अब आपको ये बताते हैं कि बेसिक हमने क्या क्या चीज़ें रिप्लेस करनी है, ठीक है। सबसे पहले हैंडल टी हमें रिप्लेस करनी है और ये गैब्रियल कंपनी की आती है, यहाँ पे ब्रांडिंग आप देख रहे हैं, गैब्रियल जो कंपनी है शॉकर भी बनाती है, ये वेंडर कंपनी है, ये इसकी आती है ओरिजिनल कंपनी से और इसकी MRP 1650 के आसपास आती है, अब शायद बढ़ चुकी हो, ठीक है। और आपका इसमें कौन सेट है 1027 रुपये का कौन सेट आता है इसका, ठीक है, आपका R15 में, और FZ में आपका शायद 400 से 500 के आसपास आता है, तो वो आप कौन सेट मत लगाना, वो लगाओगे तो आपकी प्ले आएगी, आवाज़ करेगा कौन सेट, ठीक है, पार्ट नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके साथ मैं दो चीज़ और चेंज कर रहा हूँ इसमें, इसके लॉक नट होते हैं, चेक नट बोलते हैं इसे हम, इसकी MRP और पार्ट नंबर आपका ये सामने लिखा हुआ है, ठीक है, ये अक्सर ये क्या होता है चोट मार के ख़राब हो जाता है, इसलिए बदलना सही रहता है, ठीक है। साथ में इन दोनों के ऊपर बीच में एक रबड़ की ओरिंग लगती है तो इसको भी रिप्लेस करना ज़रूरी है, तो ये भी मैं ले आया था, ठीक है, और ये बेसिक 3-4 पार्ट्स थे हमें जो रिप्लेस करने हैं। और तो दोस्तों हम आपको ये बता दें कि कौन सा टूल कहाँ पे यूज़ होना है, ठीक है, ये आपका 19mm का सॉकेट जो हम यूज़ कर रहे हैं और हैंडल यूज़ कर रहे हैं उसके साथ, उससे आप आपका मेन एक्सल खोलेंगे, ये आपका 19mm का सॉकेट फिक्स हो गया, ठीक है, एंटी क्लॉक वाइज, और उसके बाद आपका यहाँ पे ब्रैकेट होता है जो टी आपको होल्ड करती है शॉकर को, उसमें आप 14mm का रिंग पाना यूज़ करेंगे, ये यहाँ पे लगेगा और ये ऐसे लगेगा, इसको एंटी क्लॉक वाइज खोलेंगे, दो नट होते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका आप करेंगे 22mm का यूज़ मेन ऊपर हैंडल टी के खोलने के लिए, बोल्ट के लिए 22mm का ये सॉकेट है, ये यहाँ पे यूज़ होगा आपका इस जगह पे, ठीक है, ये एंटी क्लॉक वाइज खुलेगा हैंडल टी के साथ। और अब यहाँ पे दो एलन की चाहिए आपको, तो एक तो 6 नंबर के एलन की है लगभग, जो यहाँ आपके यहाँ पे यूज़ होंगी, 1, 2, 3 और आपका 4, ठीक है, ये 4 एलन की तो आप 6 नंबर के आसपास की है, और ये 3 या 4 नंबर ये यहाँ पे यूज़ होगी, 1 और 2, ठीक है, और आपका इसके बाद ये खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको इसको पुश करना है, यहाँ पे आपके 2 चेक नट होंगे उनको खोलना है, उसको आप कैसे खोलोगे, इस एडजस्टेबल जो प्लायर होता है आपका कॉमनली आपके घर में यूज़ होता होगा, इससे आपको दो ये आपके जो चेक नट है उसको खोलोगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, आपकी शॉकर निकलेगा, व्हील निकलेगा, मडगार्ड निकलेगा और आपकी हैंडल टी बाहर आ जाएगी। अब मैंने आपको प्रोसेस बता दी है स्टेप बाय स्टेप, अब मैं इस प्रोसेस को टाइम लैप्स में आपको दिखाता हूँ, चूँकि काफ़ी लंबी हो जाएगी प्रोसेस। तो दोस्तों हमने सब नट बोल्ट निकाल दिए हैं इसके और सब कुछ खोल दिया है, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या शॉकर को बाहर निकालना है, यहाँ का भी खोल दिया है, नीचे सब कुछ खोल दिया है, कैलिबर को भी अलग कर दिया है, सेंसर होते हैं उसमें आपके जिसका आप तो बोलते हैं ABS का सेंसर, तो वो भी निकाल दिया। अब आप देखा डीलर करने के बाद शॉकर इस तरीके से नीचे पुश हो जाएंगे, अब आपको आगे से दिखाते हैं शॉकर कैसे निकालने, ठीक है। तो ये ऐसे स्लाइड करके आपको शॉकर को बाहर निकालना है, और एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसको साफ़ सफाई से रखें, इसका खरोच ना आने दें, क्योंकि ये रॉड पे खरोच आ जाएगी तो ये लीकेज करेगी सीला पे, ठीक है, इसको इजीली अच्छी जगह पर रखें प्लेस करके। ये आपका पहला शॉकर हो गया, ये आपका दूसरा शॉकर हो गया, इसको आराम से निकालें, ठीक है, और हो सके तो एक बार आप लीकेज भी चेक कर सकते हैं, बाकी बैंड वगैरह भी चेक कर सकते हैं, ठीक है।
मेरे मामले में तो सब सही है। और हमने ये 22 mm के सॉकेट से खोल चुके हैं, ये खुल गया है, सब सामान देखा हूँ। ठीक है, अब इसको ऐसे ऐसे करके आप लेफ्ट राइट पुश करके आपका ये हैंडल टी बाहर आ जाएगी। ठीक है, अब इसको चेक नट खोलने हैं आपको। उससे पहले आपका ये होल्डर प्लेट लगेगी, उसके बाद आपका ढीला करना है। कुछ इस तरीके से आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसको निकालने के बाद सब बाहर आ जाएगा, तो इसको निकालते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमने इसके चेक नट निकाल दिया है और लास्ट में आपका ये निकलेगा, फिर आपका ये कॉलर निकलेगा, फिर आपके यहाँ पे ब्लैक कलर की बेयरिंग का ये सेट निकलेगा और आपकी टी पूरी बाहर आ जाएगी। और एक कॉलर ये है, और एक कॉलर यहाँ पर होता है इसके, यहाँ पर भी एक बेयरिंग होती है। और जो नीचे वाला कॉलर है उसको हम एक पाइप की मदद से और एक हैमर की वजह से टैप करके निकालेंगे। तो दोस्तों, आपको ऐसा एक पाइप लेना जिसकी थिकनेस कुछ ऐसी हो, और इसको एक प्लेस करना अपने एंड पर, आपको फील आ रहा होगा इस तरफ को, लेफ्ट साइड को। एक लेफ्ट साइड को पहले चोट मारनी है, हल्के टैप करना है, फिर एक राइट साइड को टैप मारना है। ज़्यादा तेज टैप मारोगे तो अंदर जो कॉलर की बॉडी है, इंटरनल जो डाया है, उस पर खरोच आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करा और ये आपका इजीली निकल गया। ठीक है, इसको आप फेंकना, क्योंकि दूसरा नया कॉलर आपको जब उसमें पंच करना होगा उसके लिए आपको ये चाहिए होता है। ठीक है, अब ये है आपका दूसरा कॉलर नीचे, अब इसको नीचे से ऊपर मारेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से, ऐसे एक टैप, एक टैप, टैप, टैप। ये आपका ऊपर का कॉलर आ गया, बहुत इजीली बाहर आता है अच्छे से ग्रीस लगाओगे। इस कॉलर को भी आपको फेंकना नहीं है, क्योंकि नए कॉलर को आपको पंच करने के लिए इसका यूज़ करना है। ठीक है, तो दोस्तों, आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने जो कॉलर है जो आपने निकाले हैं, है ना, वो ऊपर कौन सा लगेगा, नीचे कौन सा लगेगा? आपको मैं सिंपल बता देता हूँ कि जो ये पतला वाला कॉलर है जिसकी थिकनेस कम है और जहाँ से टेपर है, ये आपका ऊपर लगेगा। ठीक है, ऊपर साइड लगेगा ये, और जो आपका जो नीचे लगेगा उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी और उसमें यहाँ पर मार्किंग होगी एस्केप की बेयरिंग की। ठीक है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये फ़र्क है सामने से देखिए आप और यहाँ से देखिए। ठीक है, तो कभी भी चीज़ में कंफ्यूज मत होना, वरना आपके कौन सा आवाज़ करेगा कभी सेट नहीं होगा। दूसरा आपका क्या है, आपको पूरी किट आती है इसकी 1027 रुपये की कौन सेट की। दोस्तों, ये हमने पैकेट खोल दिया और ये चीज़ें हमें जो इसकी किट में मिलती हैं, एक आपकी रोलर बेयरिंग किट जो ऊपर और नीचे के लिए, ये जो आपका वाइट कलर का जो रोलर है इसमें इसकी बेयरिंग जो होगी इस ब्लैक वाले के हिसाब से छोटी होती है साइज़ में। ठीक है, तो ये आपका नीचे साइड लगेगा, ये वाला जो आपका है ये ऊपर साइड लगेगा, इसकी बेयरिंग थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, एक रबड़ की सील मिलेगी आपको, वाटर सील या ऑयल डस्ट सील। आपके कॉलर्स मिलेंगे, ये कॉलर नीचे वाला है और ये वाला कॉलर आपके टी में लगेगा, पुरानी टी में जैसे लगा है ऐसे करके, और ऊपर से ऐसे लगेगा। ठीक है, एक कॉलर जो आपको ऊपर वाला बताया था हमने, ये इसके ऊपर ये प्लेट वाला कॉलर लगेगा, इनके बीच में बेयरिंग लगती है और ऐसे फिक्स रहता है। तो ये आपका सेट है। तो अब इन चीज़ों हमने जो उसका याला कॉलर था वो बैठा दिया है। इस कॉलर को आपको सिंपली यहाँ पे आपने लगाया और फिर उल्टा करके इस कॉलर को इसके ऊपर रखना है और हथौड़ी से लेके हल्का यहाँ टैप करना है और हल्का ही यहाँ टैप करना है, हल्के हल्के हाथ से जब आप स्टार्टिंग में इसको कर रहे हो, और फील करना है जब टम टम की आवाज़ आएगी, बिल्कुल झमझम की, मतलब जैसे कोई प्ले नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये बैठ गया है। और यहाँ पर आपको चेक भी करना है इसको। ठीक है, फिर एक रबड़ लगेगी इसकी, ये वो रबड़ लगाने के बाद आपको ये फिक्स हो जाएगा, और ज़्यादा चोट नहीं मारनी स्टार्टिंग में, वरना तिरछा चले जाएगा तो इसको खरोच देगा इस बॉडी को। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम दोनों जो हमारे कॉलर हैं ये वाले और ये वाला, इसको इस पर हम पंच करते हैं, और जो यहाँ पे इसकी बॉडी इंटरनल डाया है इसमें आप ग्रीसिंग करें, हम भी ग्रीस यूज़ करेंगे, और उसके हल्के हल्के लेफ्ट राइट हल्का टैप टैप करके इसको फिक्स करना है। ठीक है,
तो दोस्तों हमने ये कॉलर जो है हमारा इसको पंच कर दिया। पंच करने का तरीका आपको मैंने बताया था। एक आपको ऐसा पाइप चाहिए, एक हथौड़ी चाहिए, टैप टैप करके इसके ऊपर रखेंगे इसको ऐसे, और लेफ्ट राइट बिल्कुल क्रिस क्रॉस पैटर्न जैसे आप बोलते हो ना, एक यहाँ टैप मारा तो एक यहाँ टैप मारा। पहले हल्का हल्का टैप से चालू करना है आपको, क्योंकि जब स्टार्टिंग में बैठता है ये टेढ़ा ना बैठ जाए। फिर ये कॉलर क्या होता है, ब्रिटल होते हैं, टूट भी सकते हैं, क्रैक हो जाते हैं। तो इधर उधर टैप 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 करा। और हमने एक चीज़ आपको और बताते हैं, यहाँ पे आप देखिए ग्रीस आई हुई है, तो हमने इसके नीचे पहले बैठाने के लिए अच्छे से ग्रीस भर दी थी। क्यों? इसका कारण ये, एक तो स्मूथली जाएगा, दूसरा एक कारण इम्पोर्टेंट कारण है कि हमें नहीं पता चल रहा है, कि हमें फील भी समझ नहीं आ रहा है कि कॉलर बैठा नहीं बैठा। तो ग्रीस भरने से क्या, जब बिल्कुल बॉटम में बैठ जाएगा तो ग्रीस उसके बीच में और कॉलर के बीच में जहाँ पे बिल्कुल स्पेस है वहाँ पे वो भरी हुई ग्रीस बाहर आ जाएगी जब हम उसको पंच करेंगे, ठीक है। तो उस समय ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ हमारा कॉलर ढंग से अपनी एग्जैक्ट जगह में बैठ गया है, उसमें कोई गैप नहीं है बीच में, ठीक है। तो अब हमने कर दिया है, अब उसको टी को बैठा। दोस्तों हमने कॉलर को पंच कर दिया है, और आपको एक चीज़ और बतानी थी मुझे, जो वाइट कलर का आपका बेयरिंग का सेट है ना, बॉल बेयरिंग सेट, ये नीचे साइड लगेगा, बॉटम में एक रबड़ लगेगी जिसको आपको, ये देखो टेपर दिख रहा है, टेपर इसको स्लाइड करके खींच के आपको नीचे इसके बीच में गैप होता है कॉलर इसके बीच में यहाँ पे फंसाना है, ठीक है। वाइट कलर की बेयरिंग यहाँ लगेगी, ब्लैक कलर की जो बेयरिंग का बॉल बेयरिंग का सेट है वो ऊपर लगेगा, ठीक है। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर की बॉल बेयरिंग का साइज़ बड़ा होता है, नीचे की बॉल बेयरिंग का साइज़ छोटा होता है। अब ग्रीसिंग आपको प्रॉपर करनी है, जैसे ये करी मैंने, यहाँ करी, नीचे करी और टी में भी कर दिया। और सिंपली आपको नीचे से ऊपर को स्लाइड करके, इसके दो चेकनट हैं, दोनों चेकनट लगेंगे, पहला दूसरा, और इन दोनों चेकनट के बीच में एक वॉशर होता है ये रबड़ का, इसको ना लगाना ना बोले, इसको लगाना है। फिर उसके ऊपर एक और आपका लॉकिंग वॉशर आएगा जो मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, उसको लगाएंगे और फिर इसको एडजस्ट करेंगे कि कितना प्ले ख़त्म करके आ सकते। दोस्तों कभी भी आप शॉकर बैठाएं हैंडल टी लगाने के बाद, तो आप इसका ध्यान रखें, ज़्यादातर कॉमनली लोग प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि भैया वो ये करते ऊपर से आपका इसको लेवल करते हैं कि भैया यहाँ से हम लेवल कर दिया तो नीचे से लेवल हो जाएगा शॉकर पर, ऐसा नहीं है। कभी कभी यहाँ से लेवल होता है पर यहाँ से लेवल नहीं होता, इसके वजह इसका कारण क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर टॉलरेंस दिया है हमें कंपनी ने, थोड़ा बहुत फ्री प्ले होती है, अगर ये थोड़ा सा भी शॉकर ऊपर नीचे होगा ना मेरा, तो ये जो फ्री प्ले है ना, देखो ये स्मूथ नहीं, देखो चाहे मैं इसको ऐसा करूँ मैं इसको ऐसे करूं, इसका मतलब क्या है कि ये मेरा बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। कभी कभी एक और प्रॉब्लम आती है कि आपका ये बैंड होता है, इस वजह से भी कभी कभी कहीं अटकता है, कभी नहीं अटकता है, ठीक है। तो आपको मेजरली क्या है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में रख के उस पर चेक करना है कि फ्री फ्री जा रही नहीं जा रहा, बिल्कुल फ्री जा रहा नहीं जा रहा। अगर जा नहीं रहा है तो मतलब आपका शॉकर अलाइन नहीं है, और जब भी अलाइन करो इसको यहां से, उसके बाद आपको यहां के जो 14 mm के मेरे केस में जो 14 mm का नट है यहां का शॉकर का जो टी है मेन, इस नट से आपको हल्का टाइट कर देना है ताकि शॉकर अपनी पोजीशन में रुके रहें। उसके बाद आपको ऊपर के जो सारे नट है उनको चेक नट करना है, मतलब चेक करना है, टाइट करना है, टॉर्क करना है, और फिर आपको पहिया लगाना है। अगर डायरेक्टली ऐसे लगा दोगे इसका कारण क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आएगी कि गाड़ी एक तरफ को भागेगी, आपका टायर अनइवन घिसेंगे, और आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी ऐसे एक जगह काट रहा है, जिस तरफ से शॉकर ऊपर उठाया है या बैठा है, तो आपकी गाड़ी ऐसे लगेगी आपकी गाड़ी इधर को जा रहा ढलक रही है इधर को, मतलब कि आप लेटाने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इस चीज़ का आपको बारीकी रखनी है, और ये हर चीज़ कोई बताता भी नहीं है, ठीक है। तो अब पहिया वहियाँ लगाते हैं और फिर वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चीज़ देखी होगी आपने, नॉर्मली ये नॉर्मल रिंच नहीं है, इसको बोलते हैं टॉर्क रिंच, जिसमें आपकी टॉर्क स्पेक्स लिखी रहती हैं,
फुट पाउंड में या न्यूटन मीटर में। तो कंपनी हर एक नट के एक स्पेसिफिक टॉर्क आपको रेंज देती है कि इतने में हमें टाइट करना है। नॉर्मली मैकेनिक यूज़ नहीं करते हैं, उसी की वजह से आपके नट स्टिप होना, कोई भी चूड़िया ख़त्म हो जाना कारण वही है। अगर आप प्रॉपर टॉर्क स्पेक्स में टाइट करोगे तो आप कितनी बार भी खोलोगे टाइट करोगे ख़राब नहीं होगा नट, ना चूड़ी डैमेज होगी। तो इसको हम इसलिए इसमें स्पेक्स पर टाइट कर रहे हैं, अगर मैं इसको ज़्यादा टाइट करूँगा तो यहाँ ब्रैकेट ज़्यादा टाइट हो जाएगा, मेरा हैंडल हार्ड चलेगा। अब मुझे वो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए स्मूथ। तो इसलिए मैं इसको कंपनी जो बोलती है आपका 55 के आसपास बोलती है इसका टॉर्क स्पेक्स, तो हम इसको 55 में सेट करेंगे। इसमें मैंने 55 न्यूटन मीटर का सेट करा हुआ है। तो इसको हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे मैं पहले होल्ड कर लूँगा ताकि लेवरेज मिल जाए इसको। और ये थोड़ा सा टाइट होने लग गया है, ये देखिए। अब आप पास से सुनिए, आपको क्लिक की साउंड आएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको साउंड आएगी एक। अब ये क्लिक की साउंड मतलब ये है कि जो हमारा टॉर्क हमने सेट करा था उस पर नट सेट हो गया है। प्लस माइनस 1-2 का आपका एरर होता है हर चीज़ में, वो तो टॉलरेंस लेके हम चलते हैं। तो ये लगभग 50-55 के आसपास का न्यूटन मीटर हमने सेट कर दिया इसमें। और बाकी एक चीज़ और बता देते हैं आपको, जब भी आप गाड़ी का सेट करो कॉन्टैक्ट, तो आपको उसके बाद इस चीज़ की प्ले देखनी है, नीचे हल्के हाथ से नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब मेरे इसमें केस में ये बिल्कुल हिल नहीं रहा है, मुझे जो फील आ रहा है ठीक है। और एक बार आपका नया कॉन्सेप्ट डालने का, एक बार आपका कुछ किलोमीटर में 200 या 250 डिपेंड करता है आप किस रोड पर चला रहे हो, ढीला होता है, तो उसके बाद आपको हल्का उसको एक बार सेट कराना, उसके बाद वो कभी ढीला नहीं होता अनलेस उसमें कोई वेयर एंड टेयर आ जाए ठीक है। तो हमने सेट कर दिया है। और आपको ये भी बता देते हैं कि आपको जैसे इसके एक स्पेशल टूल आता है इस नट के लिए, यहाँ पे आप लॉक नट देखें, इसके लिए एक स्पेशल टूल आता है, उससे भी आप टाइट कर सकते हैं, और वरना आपके पास पेचकस या एक हैमर से भी आप कर सकते हैं। तो उससे क्या है डैमेज हो आता है, तो उस स्पेशल टूल का यूज़ करो तो ये ख़राब नहीं होते नट ठीक है, ज़्यादा महंगे आते भी नहीं। तो हमने इसको सेट कर दिया, और आप देख रहे हैं मेरे हैंडल देख रहे हैं कितना स्पीड चल रहा है जैसे होना चाहिए। अब ना उसमें साउंड आ रही है ना प्ले है, बिल्कुल सेट हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करें, और ऐसी टेक्निकल वीडियो के लिए मैगजरी ब्लॉग्स को फॉलो करें। तो आप इंस्टाग्राम फेसबुक में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और तब तक मिलते हैं आपसे, जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।